नमस्कार दोस्तों, मेरे खास स्वागत करती हूँ आपके अपने ही कुकिंग चैनल एसके सिंपल फूड पे। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इस गर्मी से राहत देने के लिए एक और शरबत की रेसिपी लाई हूँ और ये है ग्रेप्स का शरबत यानी अंगूर का शरबत। तो ग्रेप जूस को बनाने के लिए क्या करते हैं और कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत ही कम सामान बनता है और ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बना रहे हैं और क्या क्या लेते हैं। अगर आपका भी कोई तरीका हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए एक और शरबत की रेसिपी लाई हूँ। इन गर्मियों में कुछ खाने का मन नहीं होता लेकिन हाँ शरबत पीते हैं, तो इसके लिए मैंने लिया है अंगूर, इसको धो के रख लिया है, साथ में लिया चीनी, थोड़े पुदीना का पत्ता लिया, मेरे पास पुदीना का ताज़ा पत्ता कम था तो मैं सुखा के रखती हूँ हमेशा इन्हीं सब डिशेज के लिए। तो ले लिया है नींबू का रस और काला नमक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए लेते हैं एक मिक्सर ग्राइंडर का जार और इसमें डाल देते हैं हम अपने अंगूर को। चलिए डाल देते हैं इसमें हम चीनी, अगर मीठा कम पसंद है तो कम डालिए, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डालिए, और इसी के साथ हम डाल देते हैं इसमें नींबू का रस और डालेंगे हम काला नमक। काला नमक ज़रूर डालें इन सब में, इससे क्या होता है कि हमारे नमक की जो कमी होती है पसीने से वो पूरा होता है। चलिए इसे पीस लेते हैं थोड़ा सा पानी डाल के, अभी ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बाद में अगर ज़रूरत लगी तो हम डालेंगे, बस थोड़ा सा ताकि पीस जाए। तो चलिए पीस लेते हैं। तो चलिए पीसने के बाद ये तैयार हो चुका है और आप चाहें तो इसमें थोड़ा पानी मिला सकते हैं। तो डालते हैं पुदीना का पत्ता और इसे एक बार और थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेते हैं और इसको अब छान लेंगे, पिस चुका है ये। तो लेते हैं एक बर्तन, उसमें डालते हैं इसको और इसको चम्मच से हिलाते हुए इसे अच्छी तरीके से छान लेंगे। चम्मच से ज़रूर करें वरना ये छन्नी में जम जाता है और नीचे पानी नहीं जाता। तो इस तरीके से हम चम्मच लेंगे और इसे मिला लेंगे। तैयार हो गया हमारा जूस, सर्व करते हैं। तो सर्व कर दिया मैंने, आप भी बनाइए, पीजिए और अपने पूरे परिवार को पिलाइए, विटामिन मिनरल से भरपूर। तो चलिए आपका भी कोई तरीका हो ग्रेप्स जूस बनाने का तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं नए रेसिपी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।